About the brands I pick, and over the past 3 years I have done probably only seven brands, and the experiences with them is different, and some of them are really rigid with what they want, but in the recent times with the brands I worked, for example the brands I worked, for example in Suffer, I did a brand collaboration with Skybags, Bajaj Avengers and Boat Headphones, and they gave me a creative freedom which every artist wants. And अगर ऐसा आपको कोई ब्रांड मिलता है जो आपके साथ इतना क्रिएटिवली फ्रीडम दे आपको, तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. एंड ऑल्सो मेनी अदर ब्रांड्स विथ होम वी आर डूइंग समथिंग इन द फ्यूचर, सो इवन दे आर रियली ओपन अप टू मेनी थिंग्स, एंड होपफुली मजा आए. सिंस आई एम अ शू लवर, तो अगर जूते का कोई ब्रांड नहीं देख रहा है, अगर उन तक ये बात पहुंची है तो एक हाथ भिजवाओ घर पे. प्रमोट कर लेंगे आप ही करना. एज लॉन्ग एज योर कॉन्टेंट रेजोनेट्स विद द पीपल, यू आर अहेड ऑफ एवरीवन एल्स. तो अगर आप लोगों को ये बताओगे कि सच में आपके घर में क्या हो रहा है, तो एग्जैक्टली वही चीज लोगों के भी घर में हो रही है, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ये सब चीजें होती हैं. आप रोज सुबह उठ के टंकी में पानी चेक करते हो, आप रोज सुबह आप उल्टी चप्पल रखते हो तो आपको मार पड़ती है कि घर में लड़ाई हो जाएगी, आप चाबी घुमाते हो तो आपको बोलते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, आप खाली कैंची चलाते हो तो आपको बोलते हैं लड़ाई हो जाएगी. तो अगर आप ये चीजें लोगों से बोलते हो तो लोग रिलेट करते हैं इस बात को, एंड अगर आप इसको ह्यूमरस वे में पुट करते हो जैसा आई बिलीव एवरीवन शुड डू, तो इनफैक्ट इन चीजों की वजह से इट हेल्प्स अ लॉट टू ग्रो वाइडर ऑडियंस. एंड या YouTube has changed everything in India. With all the OTT platforms which are coming, YouTube will always kind of have an upper hand for that matter. Because free है content. अपने को free का content देखने मजा आता है. And यही चीज है, इसलिए YouTube is like a big thing in India. And I think for the coming like many more years, YouTube is gonna stay and it will stay relevant. जितने भी कोई भी OTT platforms आ जाए, but in the end a person will switch back to YouTube to watch free content.